हाय कासिम भाई, कैसे हो? हेलो सर, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। ठीक हो? खैरियत से? तो यस कासिम मियाँ, पहली बात तो सर, आपको बहुत 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 बधाई। आपने थैंक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अभी एग्जाम के अंदर। मेरे ख्याल से आपने थैंक यू अपने सर। अम्मी अब्बू को बहुत ज़्यादा गर्वित प्राउड मोमेंट दिया होगा और आप खुद भी बहुत खुश होंगे। ज़रा अपनी कहानी बताओ यार, कि बचपन से कैसे आपकी पढ़ाई कैसे रही है, मतलब 6ठी से लेके 10वीं तक कैसे थे पढ़ाई में आप? फिर 11th 12th में जब गए तो क्या 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 कहाँ पे गए, कैसे पढ़ाई करी? जब 12th में नहीं हो पाया पहले अटेम्प्ट में तो क्या दिक्कत आ गई थी, क्या समस्या आ गई थी? एंड फिर कैसे अपने आप को प्रेरित किया? फैमिली में कौन कौन है, क्या 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 करते हैं फैमिली में सारे लोग, मैं जानना चाहूँगा। जी सर, तो सर हो सकता है मैं ज़्यादा एलैबोरेट करने के चक्कर में बहुत लंबा बोल जाऊँ, सर प्लीज़ उसमें थोड़ा सा आई हैव बता गॉट दीजिए फुल प्लीज़। डे माई फ्रेंड, आप बोलो। हमारा अभी हम सुनना चाहते हैं, और हमसे ज्यादा जो ये सेशन और जितने भी लोग देखेंगे, आई एम प्रीटी श्योर उनके लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन होगी। ओके सर। तो प्लीज। सर यस सर, सर मेरा फुल नेम मोहम्मद कासिम सरवर है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, और मेरा जन्म किसी और सिटी में हुआ था, लेकिन मैंने इनिशियल स्टेजेस अपने लाइफ के, बहुत छोटा था मैं, वेस्ट बंगाल में गुजारे, फिर वहां से मैं बनारस आ गया। जब तो मेरा माइंड कॉन्शियस हुआ तब से मैं बनारस में हूँ। तो क्लास 10th तक मैंने ICSE में पढ़ाई की है, ICSE बोर्ड में। और सर स्कूल में भी मतलब अच्छे मार्क्स आ जाते थे, एकेडमिक मेरा बहुत अच्छा था, फिजिकल मतलब जैसे खेलना कूदना उसमें मैं एकदम मतलब मिलता ऑलमोस्ट। तो क्लास 2 से याद है सर, मुझे क्लास 2 में मेरे अंदर मतलब ये बात आई थी कि मतलब जैसे आस पास इधर उधर देखता था, मेरे क्लास में जो गर्ल्स होती थी वो टॉप करती थी बहुत, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब गर्ल्स ही हमेशा टॉप करी, कोई बॉयज का नाम नहीं आ रहा है। सर उस पॉइंट पे मेरे अंदर एक स्पार्क आया कि अगर मतलब मुझे भी आना है उस लीग में, ताकि टीचर मुझे भी जाने। उस टाइम से मैं ट्राई करने लगा कि मेरी भी कम से कम रैंक आ पाए क्लास में एटलीस्ट। पूरी स्कूल लाइफ में क्लास 9th तक टॉप 5 या टॉप 10 में रहता था मैं, और क्लास 10th में आके परसेंटेज आई थी 96 पॉइंट समथिंग आई थी, और मैं अपने स्कूल में सेकेंड रैंक होल्डर था पूरे स्कूल में। फिर 11th और 12th मैंने CBSE बोर्ड चेंज किया और एक नॉन स्कूलिंग ले लिया। फिर 11th और 12th मैंने घर पे पढ़ाई की, 11th और 12th मतलब ये सोचा कि मैं पढ़ाई करूँगा घर पे। लेकिन 11th में जब मैं था तो 11th में तो 11th में जब मैं 11th में था तब सब कुछ कोविड टाइम नहीं था, सब कुछ सही था उस टाइम। लेकिन फिर 12th में आते ही कोविड शुरू हो गया और सर लॉकडाउन लग गया, और फिर सर मोबाइल गेम से मेरा मेरा मन चला गया, और फिर तो दिन भर से मोबाइल खेलता था, मोबाइल पे गेम्स खेलता था। तो सर 12th में फिर जब मेरा आधा 12th निकल गया तब मतलब अंदर फिर आया कि हाँ कि पढ़ना चाहिए। उस टाइम से मैं पढ़ना स्टार्ट किया, तो सर बहुत लेट हो चुकी थी तब तक। तो फर्स्ट अटेम्प्ट और जब मैंने पिछले साल जे दिया था तो 4 में से मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मुझे मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सोचा कि चलो कुछ कुछ कम से कम कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते। तो उस टाइम मैंने वेदांतु जे चैनल को देखना स्टार्ट किया, स्पेसिफिकली अरविंद कालिया सर को। फिर 2 अटेम्प्ट मैंने दिए तो मैंने मतलब मुझे समझ में आ गया था मेरा कुछ नहीं होने वाला इस साल एटलीस्ट, तो एनर्जी और एफर्ट लगा के अब कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट मैं तुरंत ज्वाइन कर लेता हूँ। इसलिए 3rd अटेम्प्ट होने से पहले मैंने वेदांतु ज्वाइन कर लिया एज अ टॉपर, और फिर सर 1 साल से यही हूँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर आए थे तुम्हारे? फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर सर नहीं याद है, लेकिन 89% आई थी। ओके, फर्स्ट में 89 और सेकंड में दोबारा जब दिया था? सर सेकंड अटेम्प्ट में 91.3% आई थी। ओके, और अभी इस बार कितनी आई है? इस बार 99.253% आई है। थैंक यू सर। तो तुमने कहा कि 11th एंड 12th में तुमने कहीं पे कुछ वो नहीं करी, कोचिंग नहीं ली? नहीं मैं कोचिंग में था, मैं स्कूल नहीं गया, 11th 12th में घर बैठा रहा। कहाँ कोचिंग कहाँ पे ली थी तुमने? सर यहाँ पे लोकल इंस्टीट्यूट है तो वहीं पे मैंने ली थी। अच्छा, लोकल जगह पे ली थी। तो वहां जी का सर। क्या तुम्हारा अनुभव था, मतलब तुम वहां से पढ़े उसके बाद वेदांतों में पढ़े, तो तुम्हें क्या लगा कि लगा कि वेदांतों में पढ़ने या वेदांतों में चीजें काफी अलग हैं, और स्पेशली ऑफ ऑनलाइन था तो ऐसा लगा कि जैसे आजकल लोग बोलते हैं यार ऑनलाइन पे से भागते हैं थोड़े से, या कि यार ऑफलाइन करना, ऑनलाइन ट्राई नहीं करना, तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस, तुम्हें लगा कि ऑनलाइन जो आज लोग डर रहे हैं वैसा है कि बट
कि ये नहीं वेदांतों का ऑनलाइन बहुत ही अलग है, ऑफलाइन से भी बेटर है, कैसा फीलिंग हुआ? यस सर, तो सर जिस इंस्टीट्यूट में था वो मेरे सिटी में बेस्ट माना जाता था इंजीनियरिंग के लिए। तो सर यहाँ पे मैंने एक बात मुझे बहुत खराब लगी। यहाँ पे लोग क्या करते, इंस्टीट्यूट उनका काफी बड़ा था, यहाँ पे क्या करते थे एक ही टाइम पे, जैसे अभी मतलब इसी इंस्टेंट पे कम से कम मुझे याद है उस टाइम 11-13 टॉपिक्स साथ में चल रहे थे। मैथ्स में 3-4 टॉपिक्स, मतलब 3 सब्जेक्ट, पूरा चैप्टर ही अलग चलता था उनके यहाँ। तो उसमें सब कोप अप करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि एक चैप्टर 3D आज चल रहा है, फिर स्ट्रेट लाइन कल चलेगा, फिर ऐसे ऐसे तीनों सब्जेक्ट में ऐसा होता रहता था सर, उसमें बहुत मुश्किल होती थी। और सर ऑनलाइन, उस टाइम मुझे ऑनलाइन के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन पढ़ाया भी जाता है। तो फिर जब मैंने वेदांतु ज्वाइन किया, तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन करने से पहले ही पूछ लिया था यहाँ पे कि क्या आप भी वैसा करते हैं। तो जो जिस काउंसलर के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ था, उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, तुम्हारा एक ही टॉपिक रहेगा, उसको पूरा कम्प्लीट कराएंगे पर सब्जेक्ट, और जब तक वो कम्प्लीट नहीं हो जाता उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये बात मुझे काफी अच्छी लगी ऑनलाइन एडमिशन। तो चलो ये बात होगी, बट पढ़ाने के तरीके से या बाकी जो मटेरियल था या रिसोर्सेज की बात करी जाए, तो कहीं पर तुम्हारे को लगा कि ऑनलाइन में चीजें कम हैं? ऑनलाइन में सर डेफिनेटली कम तो नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में जैसे पीडीएफ फॉर्म्स में काफी मटेरियल मिल जाता है इन कंपैरिजन टू अगर ऑफलाइन बात की जाए। और ऑफलाइन में सर बहुत इधर उधर बुक्स खरीदनी भी पड़ती है, मोटी मोटी बुक्स रहती है, ऑनलाइन में पीडीएफ हो जाता है, स्क्रीन रहती है, सबके पास आजकल मोबाइल फोन है, सॉल्व करने के लिए मटेरियल ज्यादा रहता है डेफिनेटली ऑनलाइन। अच्छा, मतलब तुम्हारे को ऐसा कोई कमी नहीं लगी किसी भी चीज की किसी भी प्रकार से ऑनलाइन से पढ़ के? टिल नाउ नहीं सर। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ये बताओ, जब तुम वेदांतु में थे तो तुम्हारा सबसे ज्यादा बढ़िया मूवमेंट क्या था यार, जो तुम्हें बहुत बढ़िया लगा वेदांतु को लेके? और वैसे ही सबसे ज्यादा लो मूवमेंट क्या था जब तुम्हारा मोरल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे गिर गया होगा? तो सर जैसे यहाँ पे जो वीकली टेस्ट होते थे, तो उसमें भी मेरे अच्छे खासे नंबर आ जाते थे, अराउंड 250 रहते थे, क्योंकि वीकली क्योंकि टॉपिक वाइज होते थे तो सिलेबस कम रहता था और क्वेश्चन भी सब मालूम रहता था, उसमें 250 के अराउंड मार्क्स आ जाते थे। तो सर उस टाइम मेरा मतलब मोरल थोड़ा हाई हो जाता था और थोड़ा सा मिलता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और सर लो मोमेंट तो एज सच कुछ हुआ नहीं, लो मोमेंट नहीं सर, लो मोमेंट्स नहीं है सच, एज सच कुछ नहीं हुए। अच्छा, लो मोमेंट तुम्हारे के तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं आए? सर डेफिनेटली थोड़े बड़े तो आए, लेकिन एज सच मतलब बहुत बड़ा कोई नहीं आया। अच्छा, और सबसे अच्छा क्या लगा वेदांत में? सर यहाँ पे मुझे बेस्ट चीज ये लगी कि एक्चुअली मैं जब ज्वाइन किया तो मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं था कि मेंटोर होता क्या है यहाँ पे, कि मेंटोर जब दे रहे हैं आप लोग तो उसमें मतलब काम क्या होता है। तो बेसिकली मैंने मेंटोर वाला कोर्स इसलिए लिया था क्योंकि मुझे गाइडेंस चाहिए थी कि और एग्जाम्स क्या होते हैं, अगर JEE नहीं हो पाया मेरा तो अदर ऑप्शन क्या है, अदर मतलब पाथवेज क्या है जिसको मैं पकड़ सकूँ। तो ये सोच के मैंने PT लिया था। तो वेदांतु की बेस्ट चीज मुझे लगी कि PT मतलब PT आप लोग दे रहे हैं, और वो PT से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ PT लोग से। और सेकंड बेस्ट चीज मुझे ये लगी, यहाँ पे जो 2-tier सिस्टम है क्लास टीचर्स का, वो मुझे बेस्ट चीज लगी, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो भी डाउट्स आते थे मैं तुरंत अपना डाउट ऐप में बिना पूरे क्लास को परेशान किए धीरे से पूछ सकता था। और वो लोग चलो दैट्स ऑसम। देर ये बताओ कासिम भाई, अभी अब देखो तुम रोल मॉडल बनने वाले हो काफी बच्चों के लिए, तो अब तुम्हारा उनको क्या संदेश रहेगा तुम्हारे अनुभव के बेसिस पे? तो सबसे पहला सवाल रहेगा मेरा, जो बच्चा 11th में जा रहा है उसको क्या संदेश देना चाहोगे तुम आज? उसको संदेश अगर मैं जे प्रिपरेशन से रिलेटेड देना चाहूंगा तो सबसे बड़ी तो यही रहेगी कि सोशल मीडिया से एकदम हट जाए, जो टीचर्स कह रहे हैं उसकी बात माने, जो भी वो कह रहे हैं, जो भी असाइनमेंट्स मिल रहे हैं उन्हें ऑन द स्पॉट ऑन द डे तुरंत उसको सॉल्व कर ले, और टेस्ट हर एक टेस्ट दें जो भी टेस्ट होते हैं, और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें। अच्छा ये बताओ, ये जब तुम कहते हैं सोशल मीडिया से दूर रहो बट ऑनलाइन में पढ़ाई करते हो, तो अपने आप थोड़ा सा मतलब जल्दी लोग क्या करेंगे, सोशल मीडिया से दूर रखना तो फोन रख देंगे साइड में,
कंप्यूटर से दूर हो जाएंगे, बट ऑनलाइन में तो फोन या कंप्यूटर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो तुम कैसे मैनेज करते थे यार, मतलब कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए यूज कर लिया बट सोशल मीडिया में नहीं गए, कि वो सेल्फ डिसिप्लिन की कहानी है सारी। जी सर, अभी मैं बता चुका हूँ 11th 12th मैंने अपना पूरा टाइम बर्बाद किया था। उस टाइम में सोशल मीडिया बहुत था, मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक यू नेम देम सब पे था मैं। तो जब मैं ड्रॉप लिया तो मैंने सब कुछ डिलीट करके हटा दिया सीधे, और कोई जैसे मीम्स वगैरह लोग भेजते थे तो उनको भी मैंने रिस्पेक्टफुली बोला कि भाई देखो मेरा ड्रॉप क्लियर है, आप प्लीज मत भेजो, ऐसे बोल के मैंने हटा दिया। तो सोशल मीडिया से अलग होना मतलब जैसे इंस्टाग्राम से चिट चैट्स हो गए कि फोटोज देखना ये सब करना, इन सबसे दूर हट जाए। और यस सर, यस सर, वो सब टाइम वेस्ट है। और यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे तो हमेशा से रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे यूट्यूब भी सोशल मीडिया ही है, लेकिन उसको मैंने सिर्फ वेदांतु जेई और थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज किया है। अच्छा, वेदांतु का यूट्यूब चैनल तुम्हारे को बाकियों से अच्छा लगा कि बाकी भी अच्छे थे, क्योंकि ऑब्वियसली सब में मेहनत तो कर ही रहे हैं सारे लोग, कुछ कुछ ऐसा लगा कि किस बेसिस पे तुमने वेदांतु को चूज किया ओवर अदर्स? सर मेरा हमेशा से ये रहा था कि पढ़ाई को मुझे बोरिंग नहीं बनाना था, क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि पढ़ाई बोरिंग हो जाती है। मतलब यहाँ पिछले बारे में बुरा नहीं बोला जाता, यही मैंने बाकी कोचिंगों का देखा था कि वो लोग अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो यहाँ पर मुझे अच्छा लगा। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर इंटरेस्टिंग क्लासेस भी होती थी और हमेशा स्माइल होती थी टीचरों पे, तो थोड़ा अच्छा भी लगता था कि हाँ सर जो पढ़ाने वाला बहुत कुछ है। ओके, तो ये बताओ यार, तुम वाराणसी के अराउंड आई एम प्रीटी श्योर अलग ही चैलेंजेस होंगे, उस हर एक शहर के हर एक रीजन के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। आप वाराणसी का माहौल और बैंगलोर का माहौल काफी डिफरेंट होएगा, तो अगर मैं तुमसे पूछूं यार वाराणसी के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? तो वाराणसी के बच्चों को वाराणसी के पेरेंट्स को, गिवन कि पेरेंट्स का भी इतना इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस पूरे 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 प्रोसेस में। जी सर, तो सर मैं जहाँ पे रहता हूँ ये एक हॉट स्पॉट है हमारे पीएम के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो जब भी आते हैं तो मतलब मेरे एरिया में मतलब कुछ दूरी पे ही आते हैं, कुछ मीटर्स की दूरी पे। तो सर यहाँ पे डेफिनेटली और वाराणसी मतलब पूरे वाराणसी में ऐसे पॉलिटिकल कैंपेन्स बहुत होते रहते हैं। तो एक रीजन ये भी बनता है कि जैसे ऑनलाइन मतलब पढ़ा जाए, क्योंकि ऑफलाइन बार बार बंद हो जाता है और रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं रास्तों पर, ऐसे हो जाता है। तो ये एक और रीजन बनता है कि ऑनलाइन लोग ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ यार, जब तुम वेदांतु में आए थे तो तुम्हारे को मतलब वेदांतु के सिस्टम को समझने में टाइम लगा था कि तुम्हें एकदम से सब कुछ समझ में आ गया था? क्योंकि अगर कोई बच्चा अभी वेदांतु में एडमिशन लेता है तो स्टार्टिंग के कई बच्चों को कहना कि सर मेरे को 5-7 दिन लग गए थे समझने में कि यहाँ पे कैसे क्लासेस, क्या मुझे करना है, घर पे कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन टाइम बहुत सारी, ये कैसे मैनेज करना है चीजों को, उसको थोड़ा सा टाइम लगा था। तुम्हारे को भी सिमिलर टाइम लगा था? सर मैं बहुत पहले से जैसे टेक मतलब जैसे मोबाइल या इन सब में बहुत ज्यादा मेरा मतलब इंटरेस्ट था, तो एज सच मैंने बहुत टाइम नहीं लगा था कि मैं अपने आप को कस्टम कर पाऊँ ऐसे करने। मतलब मैं पहले से ही बहुत ज्यादा मोबाइल और डिवाइस वगैरह यूज करता था, तो स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा था कि जैसे क्लासेस तो हो ही रही हैं और सोशल मीडिया हटा ही चुका हूँ, गेम बंद ही कर चुका हूँ, तो अगर जब क्लासेस नहीं होंगी तो और कुछ बचेगा ही नहीं मेरे पास करने के लिए। तो स्टार्टिंग से मैं तत्व सॉल्व करने लगा था, तो क्लासेस करता था फिर तत्व सॉल्व करता था। अच्छा, तो तुम नोट्स लिखते थे क्लास में जब टीचर पढ़ाते थे ऑनलाइन में? जैसे ऑफलाइन में तो क्या होता है कि टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो फिर लिखवाते भी है, डिक्टेट भी रहते हैं, चलो बच्चों लिखो, व्हेनेवर यू कम अक्रॉस दिस सिनेरियो देन डू दिस, लिखवाते हैं काफी नोट्स लिखवाते हैं। यस सर। तो ऑनलाइन में तुम्हारे को कैसे ये प्रोसेस, नोट्स लिखना, अपने खुद के नोट्स बनाना रिवीजन के लिए, ये कैसे चलाया तुमने? सर नोट्स पे मैं हमेशा से मानता हूँ नोट्स ऑन द स्पॉट लिखनी चाहिए, कुछ भी लिखो लेकिन ऑन द स्पॉट लिखो, क्योंकि बाद में और ऑन द स्पॉट लिखो भी तो अच्छे से लिखो, उसको बाद में फेयर ना करना पड़े। कुछ लोग क्या होते हैं कि रफ में पूरा लिख देते हैं फिर जाके उसको घर मतलब डबल वर्क करते हैं। मैं ऑन द स्पॉट बनाता था, मतलब जैसे जैसे टीचर करवा रहे हैं, अगर टीचर बोल भी रहे तो लिखते रहो जितना नोट हो सकता है उतना लिख दो, और वैसे टीचर्स टाइम भी देते थे आपसे नोट करने को। और अगर बहुत ज्यादा कुछ लिखना होता था तो मैं तुरंत अपना मतलब फोन निकाल के उसका फोटो ले लेता था और उसको मतलब कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बाद उसको कॉपी कर लेता था। अच्छा, तुरंत में नोट्स लिखने में टाइम की कमी को कभी फील नहीं हुई, और जिससे तुम्हारा लर्निंग और बेटर हो जाती होगी क्लास के अंदर ही?
क्लास में कई बार क्या होता है ऑनलाइन में बच्चे सिर्फ सुनते हैं, अब उनको लग रहा है कि उनको समझ आ रहा है बट वो सुनने में बस मतलब वो दिमाग में उतना घुसता नहीं जब तक लिख के नहीं करे, और बाद में फिर लिखने में लगाएंगे उतना टाइम वो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाएंगे तो और बेटर आउटकम आएगा उनको। यस सर, ऐसा लोग सोचते हैं लेकिन जैसे अगर जब क्लास में आप सिर्फ सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो तो वो कभी ना कभी भूल ही जाता है जब तक आप उसको अगर नोट्स ना मतलब पूरा नोट डाउन कर लें, तो आपके पास जब नोट रहता है तो आप उसको फिर बाद में उसको फिर रेफर कर सकते हैं अगर कुछ आप भूल गए हो, और अगर सिर्फ आप सुन रहे हैं सिर्फ सॉल्विंग कर रहे हैं तो वो उस टाइम की मेहनत होती है, वो कभी ना कभी भूल थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं भूल ही जाता है। तो नोट्स रिवाइज करना बहुत काम आता है। आपके घर पे कौन कौन है? सर मेरे मम्मी पापा है, मेरा एक छोटा भाई है और एक बड़ी बहन है। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा, और भाई बहन क्या कर रहे हैं? सर मेरी बड़ी बहन आयुर्वेद कर रही है। अच्छा, और छोटा भाई नीट की तैयारी कर रहा है। अच्छा, हेलो, विश हिम ऑल द बेस्ट एज वेल। तो बेटा मेरे ख्याल से मैं तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगा, आई बिलीव अभी तुम्हारा मुकाम अभी रहता है, जेईई अटेम्प्ट 2 है, एडवांस है, इतनी मेहनत करी है तो यहाँ पर रुकना नहीं बनता, अब तो सीधा और एफर्ट करके आईआईटी जाकर ही मतलब आई वुड से पंच और रिलैक्स। सो विद दिस थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम बेटा, मे गॉड ब्लेस यू, बस अच्छा करो, अच्छी नीयत से लगे रहो, मेहनत करते रहो, अच्छे एटीट्यूड से मेहनत करते रहो, आई एम प्रीटी श्योर जो भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही होगा, राइट? थैंक यू सो मच। आपकी अम्मी अबू को, आपके परिवार को भी बहुत मुबारक हो, बहुत बधाई हो, और उनकी भी जो सैक्रिफाइसेस रहे हैं, उनका भी जो बलिदान रहा है, वो तुमने जो किया है वो यू मेड देयर सैक्रिफाइसेस वर्थ इट, राइट? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।